नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर रेक्वेक कंपनी द्वारा बनाए गए एक होम्योपैथिक पेटेंट R45 के बारे में। R45 जो है वो लैरिंग्स की इलनेस के वजह से दी जाती है। अगर आपके लैरिंग्स में कोई परेशानी है और उसकी वजह से आप लोगों को बोलने में परेशानी हो रही है, आपकी आवाज़ में हॉर्सनेस आ रही है, तब आप इस दवा R45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आप लोगों ने एक मूवी देखी हो कि गदर, उसके अंदर जब सनी देओल जो एक्टर हैं वो गाना गाने लगते हैं तो उनकी आवाज़ में खड़खड़ाहट आती है, उनसे गाना नहीं गाया जाता। जो ऐसे लोग होते हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, टीचर्स, जो रेगुलरली बोलते हैं और उनकी आवाज़ में परेशानी आ जाए, उनसे बोला ना जाए, गले की आवाज़ जो है वो फटकर आनी शुरू हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हम R45 का इस्तेमाल करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो दवा है ये कौन कौन से सिम्टम्स आने पर दी जाती है और इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस डली हुई हैं और इसकी डोसेज जो है वो क्या रहनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस इसके अंदर डली हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें डली हुई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो अगर लैरिंग्स के अंदर इलनेस हो चुकी हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से अगर आप लोगों की आवाज़ में परेशानी हो रही हो, आवाज़ अच्छे से बाहर ना आ रही हो, फटकर आ रही हो और साथ ही अगर आप लोगों को गले में दर्द हो रहा हो तब आप इस दवा का यूज़ करते हैं। अगर वोकल कॉर्ड्स के अंदर इरिटेशन हो रही है तो उस इरिटेशन को ये ठीक करने में हेल्प करती है और आपके दर्द को भी दूर करने में हेल्प करती है, जो कि R45 के अंदर डली हुई है। इसका सेवन करने से आप लोगों की जो हॉर्सनेस है, आप लोगों की आवाज़ जो फटकर आ रही है वो ठीक हो जाएगी। इससे अगली मेडिसिन इसमें डली हुई है आर्निका। अगर आपको लैरिंग्स की इन्फ्लामेशन हो चुकी है या फिर कोई वूंड हो चुका है, इंजरी हो चुकी है, तब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर इन्फ्लामेशन होने की वजह से अगर आप लोगों को लैरिंग्स की शिकायत आ रही है तब आप आर्निका देकर उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आर्निका जो मेडिसिन है वो इंजरीज में ही इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप लोगों को लैरिंग्स की इंजरी हो गई हो तब आप आर्निका देकर उस इंजरी को ठीक कर सकते हैं और उसकी वजह से अगर आप लोगों की वॉइस जो है उसमें हॉर्सनेस आ रही हो तब आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि R45 के अंदर भी डली हुई है। इससे अगली दवा इसमें डली है ऑरम मैक्यूलेटम। ऑरम मैक्यूलेटम जो है वो भी आप लोगों के लैरिंग्स को ठीक रखने में हेल्पफुल होती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं अपनी वॉइस के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाने पर अगर आपकी वॉइस में हॉसनेस आ रही हो तब आप ऑरम मैक्यूलेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि R45 के अंदर डली हुई है। इससे अगली मेडिसिन इसमें डली है कैल्केरिया काप, जो कि लैरिंग्स के लिए एक अच्छी दवा साबित होती है, पर ये दवा जो है ये पेन्स के लिए नहीं दी जाती है। अगर आप लोगों को हॉर्सनेस है बिना पेन के तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी R45 के अंदर डली हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी डोसेज जो है वो क्या रहनी चाहिए। यूजुअली अगर आप लोगों को हॉर्सनेस एक्यूट हुई है, थोड़ी देर के लिए ही आपकी आवाज़ गई है, जैसे ही जाती है आपको वैसे ही तुरंत ही इसकी जो है डोसेज ले लेनी चाहिए, और अगर हॉर्सनेस लंबे टाइम से है, क्रॉनिक होने वाली है, तब आप दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं R45 का। 10 से 15 बूंदे जो हैं 1/4 कप पानी में डाल के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और एक्यूट केस में भी आप 10 से 15 बूंदे जो हैं एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसको कंज्यूम करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करके अपने डॉक्टर से पूछना ज़्यादा सही रहता है। उससे आप लोगों को एग्रावेशन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो आपको सही तरीके से इसकी डोसेज बता सकते हैं कि कितनी डोसेज इसकी यूज़ कर लेनी चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज
हमें ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल सकता है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ से आप लोग अपडेटेड रहें। धन्यवाद।